आने वाला ऑर्डर रेडी हुआ? हाँ। तूने फिर अपनी अकल लगाई? ये क्या भर भर के दालचीनी डाल दी इसमें? ठीक तो बना है, मैंने खुद भी टेस्ट किया है। तेरी जुबान को ना जायके का इल्म है ना बोलने का, और अगर सुनने की आदत नहीं है तो अपना बोरिया बिस्तर बांध और गांव चला जा। थोड़ा केवड़े का अर्क डालेंगे तो दालचीनी की ही कम हो जाएगी। अच्छा इतना ही बता दो तो तू क्या कर रही थी यहाँ खड़े खड़े? कुछ काम के नहीं हो दोनों, और ये बिरयानी भेज के मैं मेरा नाम बर्बाद नहीं करने वाली। ताकि चौराहे पे बांट दो इसको, काम करो अपना। साले तुझे बड़ा शौक है ना लड़की बनने का, हैं? अभी तुझे तेरा बताते किसे कहते हैं साले। ओ जी, 5 नवंबर को हमारी कंपनी एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रही है। 5,000 लोग आपकी बिरयानी का लुत्फ उठाएंगे, इस बार कोई कसर मत छोड़ना। दिवाकर जी, इतने सालों से आपके मेहमानों को परोस रहे, कभी कोई कसर छोड़ी है जो आप छोड़ेंगे? लेकिन इस बार एक खास डिमांड है। आपकी खिदमत का मार्जिन बढ़ाना है क्या? नहीं, बस खिदमत का तरीका बदलना है। इस बार परोसने वाले लड़के नहीं लड़कियां होनी चाहिए। माफ कीजिएगा दिवाकर जी, मैं आपकी डिमांड पूरी नहीं कर सकती, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। हिना जी, अपनी पुरानी सोच का नकाब उतारिए, अब इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं बखूबी जानती हूँ आप कितने शरीफ हैं, लेकिन मुझे ये बेहूदगी पसंद नहीं। उनको कभी कुछ पसंद नहीं आता इरफान, तंग आ गई हूँ मैं उनसे। 5 नवंबर को पुणे वाले इवेंट में हिना मैडम बिरयानी सप्लाई करने वाली है ना? हाँ, तो हम क्या करें, इसमें हमारा क्या भला होने वाला है? फिलहाल तो थोड़ा प्रेशर कम हो सकता है। मतलब ये कि 5 नवंबर को मैं तुम्हें एक स्पेशल तोहफा देने वाला हूँ। गम और खुशी भी तोहफे हैं जिंदगी के, मैं वो नकाब अब उतार देना चाहती हूँ, दुनिया को दिखा देना चाहती हूँ कि मैं भी पत्थर नहीं हूँ। लेकिन जब भी हम जिंदगी को एक सही शुरुआत देने की सोचते हैं तो वो हर बार अपना अंजाम बदल देती है। हमारी गाड़ी लेके भागा है, बोल दे लौटा दे, वरना जो उसके साथ नहीं कर पाए ना वो तेरे साथ करेंगे। आई समझ साला इंजड़ा, चल। नमस्कार, आदाब, मैं अनूप सोनी, क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। हमारी जिंदगी की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम दुनिया के सामने नहीं लाते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि दुनिया की नजरों में हमारी वही इमेज बने जो हम उनको दिखाना चाहते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपने अंदर और बाहर दो ऐसी अलग अलग जिंदगियां जीते हैं जो कभी कभी आपस में मेल नहीं खाती हैं।
और इस केस से जुड़े लोगों की जिंदगियां भी ऐसी हैं। ये केस पुणे में मिली एक औरत की लाश से शुरू हुआ था, लेकिन इस केस के तार पुणे, मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटका, केरला और यहां तक के वेस्ट बंगाल तक फैले हुए थे। सर, इसके पास फोन, पर्स, आईडी कुछ भी नहीं है। बॉडी को जिस तरह यहां बोरी में डालकर डंप किया गया, कातिल ने इसकी शिनाख्त का कोई क्लू नहीं छोड़ा होगा। बाइक फिसल गई थी अम्मी। अरे तो डॉक्टर को दिखा के आता था, इसकी जरूरत नहीं थी, कर लूंगा। कहां गया था तू? कल सुबह से घर से निकला था और अब लौट रहा है, क्यों मरा जा रहा है उस लड़की के लिए? चाय लोगी या कॉफी? नहीं, मुझे कहीं और भी जाना है। लेकिन अगले 90 मिनट तक तो तुम सिर्फ मेरी हो। जी, कौन सा मसाज लेंगे? डीप टिश्यू। तो चले शुरू करें। हेलो उस्मान, कहाँ है तू? हाँ दीदी, मैं थोड़ा काम में फंसा हूँ, मैं आपको कॉल करूँ? देख झूठ मत बोल, और ये गाड़ी किसकी उठाई तूने? अरे दीदी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा आपसे? अच्छा आप थोड़ी देर रुको ना, मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? बाय दीदी। अरे उस्मान सर, जी रोशनी बोल रही हूँ, आप कौन? क्या लाश मिली है? सर, इस औरत के सर और माथे पे जो जख्म है उसमें स्टोन के कुछ टुकड़े मिले हैं। मतलब इस औरत के सर पर किसी भारी पत्थर से लगातार वार किया गया। लेकिन इस औरत के नेक बोन में भी फ्रैक्चर है और हत्या गला दबाकर ही की गई, और इसकी हत्या तकरीबन 60 से 65 घंटे पहले हुई होगी। 60 से 65 मतलब 5 नवंबर को। रेप के कुछ हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, पर हाँ इसके पेट में प्रेगनेंसी के मार्क्स हैं, शायद 2 या उससे ज्यादा बार डिलीवरी हुई है। मतलब ये औरत शादीशुदा हो सकती है? जी सर। माँ, बीवी, बहन, बेटी, मैंने औरत की जिंदगी का हर रिश्ता जिया, लेकिन मेरा वजूद हमेशा प्यासा रहा, उस प्यार का जो हमेशा मुझसे छीन लिया गया। मिजाज ही बदल दिया तुमने, पकोड़े जैसी चीज को रोज नया टेस्ट दे देती हो। मेरे अब्बू का हुनर है, कभी जबान तो कभी हाथों में उतर आता है। जुबान तो मैं तुम्हारी पकड़ नहीं सकता, लेकिन इसे
मरते दम तक थामे रखना चाहता हूं। ये? नहीं, ये वो नहीं। तो महाराष्ट्र के किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई ऐसी मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं मिली जो इस औरत की हुलिया से मैच करती हो। तो जांच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। आसपास के स्टेट के सभी पुलिस हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करो और पुणे आने वाली सभी बस, ट्रेन और फ्लाइट के रिजर्वेशन भी चेक करो। और पुणे के सभी ज्वेलर से पता करो ये पायल कहां से खरीदी गई और किसने खरीदी। सर, हिना की पहचान पता करने का हर जरिया अपनाया जा रहा था, लेकिन फिलहाल कहीं से कोई भी लीड नहीं मिल रही थी, जो पुलिस को ये सोचने पर भी मजबूर कर रही थी कि कहीं हिना के मर्डर में उसके किसी करीबी का तो हाथ नहीं था। फटाफट करो इसको। अरे कितना वक्त लगा रहे हो तुम लोग, फटाफट करो। हाँ दिखाओ, एक बजे तक डिलीवरी करना है माल। फटाफट काटो बेटा, जल्दी से। और सुनो, हिना नहीं है तो ये मत समझना कि छूट मिल गई है, ढिलाई नहीं होगी कोई। फटाफट काम करो और जो कुछ होगा मेरे हिसाब से होगा यहाँ पे, समझ गए ना? फटाफट करो काम। आदाब, ये क्या बदतमीजी है? आदाब, 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 दरवाजा खोलो। आदाब, दरवाजा खोलो। आदाब, इरफान मैंने बोला था ना मुझे फोन मत करना। हाँ तो मुझे अवॉइड करने से तुम्हारी तकलीफ कम हो जाएगी क्या? आना तो तुमसे मिलकर कौन सी तकलीफ कम हो जाएगी मेरी? यार तकलीफ में सिर्फ तुम ही नहीं हो ना, मेरी भी तो प्रॉब्लम समझो। प्लीज एक बार मिल लो। ठीक है, बताती हूँ। किससे बातें कर रही थी? आप क्यों ताका जाकी करती हूँ? सर, कहीं से कोई लीड नहीं मिल रही है और अब शवगृह वाले भी लाश का अंतिम संस्कार करने की परमिशन मांग रहे हैं। उन्हें थोड़ा वेट करने के लिए कहो। मैंने चेक किया, इस पायल का डिजाइन है वो कर्नाटका के मैसूर की स्पेशलिटी है। मतलब चांसेस है कि ये औरत मैसूर की हो सकती है। पॉसिबल है, लेकिन मर्डर हुआ पुणे में। एक काम करो, जिस एरिया में हमें लाश मिली उस एरिया का डंपटर स्टडी करो। हो सकता है मर्डर के वक्त इस औरत का फोन एक्टिव रहा। और मैसूर में ये पता करने की कोशिश करो कि पायल कहाँ से खरीदी हो सकती है। जी सर। जब किसी परिवार का कोई सदस्य लापता हो जाता है तो पूरा परिवार उसकी खोज में जुट जाता है। लेकिन क्या हिना के परिवार वाले भी उसकी तलाश कर रहे थे? एक महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। वहीं पुणे से लगभग 2000 किलोमीटर दूर कोलकाता में रोशनी नाम की एक औरत ने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी और उसे लगातार कई लाशों की शिनाख्त के लिए बुलाया जा रहा था। चार राज्यों तक फैले इस केस में ऐसे कई चेहरे थे जो इस केस को और भी रहस्यमयी बनाने वाले थे। लेकिन फिलहाल पुणे पुलिस कर्नाटका के मैसूर शहर में इस केस की कड़ियां ढूंढ रही थी। लेकिन किसी भी सुनार से यह पता नहीं चल पा रहा था कि वो पायल कहां से बेची गई होगी। वहीं पुणे में क्राइम सीन के एरिया का डंप डेटा भी निकाला जा रहा था। वहीं पुणे से लेकर मैसूर तक के लोकल अखबारों में हिना की तस्वीरें छपाई गई और जगह जगह उसके पोस्टर चिपका दिए गए थे। और जल्द ही एक ऐसा आदमी सामने आया जो हिना को जानता था। हिना शेख नाम था इस औरत का? जी साहब, ये मेरी दूर की भाभी लगती हैं। ये हिना शेख यहीं मैसूर में रहती थी? नहीं साहब, इनके शौहर का यहाँ मैसूर में आना जाना लगा रहता था, लेकिन ये दोनों मियाँ बीवी मुंबई के मलाड इलाके में रहते थे। शौहर का नाम क्या है? जलाल शेख, लेकिन काफी सालों पहले जलाल भाई का इंतकाल हो गया था। शौहर का इंतकाल हो गया तो ये हिना शेख मुंबई में कहाँ रहती थी? मलाड में ही। जलाल भाई के इंतकाल के बाद उन्होंने काफी तंगी में दिन काटे। फिर 5 साल पहले इन्होंने अपने अब्बू का बंद पड़ा बिरयानी सप्लाई का बिजनेस फिर से शुरू कर लिया। उस दौरान उन्होंने मुझे भी अपनी मदद के लिए मुंबई बुलाया था।
अभी आपका काम तो चल पड़ा, इस बार पिछले महीने से भी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, इसमें आपकी भी मेहनत है, ये लीजिए आपका हिस्सा। अरे भाभी, ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा नहीं है, रख लीजिए मुश्ताक भाई। लेकिन साहब, 2 साल पहले मैं वापस मैसूर आ गया, काफी वक्त से उनके कांटेक्ट में नहीं था, लेकिन यहाँ उनके बारे में पता चला तो सुनकर बहुत धक्का लगा। लेकिन हिना का मुंबई में कोई और रिश्तेदार तो होगा? जी साहब, हिना भाभी की एक बेटी और एक बेटा भी है, आहना और आदाब। एज? बेटी की उम्र 15-16 साल और बेटे की 10-11 साल होगी। इन दो बच्चों के अलावा और कोई रिश्तेदार है? साहब, हिना भाभी की सास भी है आतिया शेख, और उनका देवर सादिक शेख, वो दोनों बोरीवली में कहीं रहते हैं। और हाँ, उनका एक बड़ा भाई भी है अनवर बेग, वो अपनी बीवी जरीना के साथ अंधेरी में ही कहीं रहता है। हिना शेख का कत्ल हुए तकरीबन 1 महीना हो गया, लेकिन किसी भी रिश्तेदार ने खबर क्यों नहीं ली? साहब, मैं उनके कांटेक्ट में नहीं हूँ, मैंने हिना भाभी का पोस्टर देखा तो सीधा आपके पास चला आया। आपको गलत फहमी हो रही है सर, हमने तो हिना की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई थी। कौन से पुलिस स्टेशन? जी, मलाड पुलिस स्टेशन में। FIR भी लिखवाई है सर, ये देखिए। आपने FIR में लिखवाया कि हिना 5 नवंबर की सुबह नासिक गई थी। हाँ, वो आना से नासिक के बारे में बोल के निकली थी। लेकिन हमें हिना की लाश यहाँ 6 नवंबर को पुणे में मिली। हिना पुणे क्यों आई होगी? यहाँ कोई है जिससे मिलने आई होगी? सर, पुणे में LNC नाम की एक इवेंट कंपनी है, अम्मी इनके इवेंट्स में बिरयानी सप्लाई करती थी। 5 नवंबर का भी ऑर्डर था, पर घर से निकलते वक्त अम्मी बोली कि वो नासिक जा रही है। आदा बेटा, मुझे काम से नासिक जाना, आने में देर हो जाएगी, दोनों भाई बहन लड़ना मत। पर अम्मी, आज तो 5 नवंबर है ना, पूना के इवेंट में बिरयानी का ऑर्डर था और अब नासिक जा रहे हो। तो मेरी काम की बातों पर गौर करना बंद कर दे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। शरारत नहीं। अम्मी, झग नहीं करोगे? चलती हूँ, दोनों लड़ाई मत करना। आना, तुम्हारी अम्मी का किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी? हमें तुम्हारी अम्मी के बॉडी के पास से ये पायल मिली। हाँ सर, ये पायल अम्मी की है, वो हमेशा इसे पहने रहती थी, उन्हें गिफ्ट किया था उन्हें। क्या मैं ये पायल ले जा सकती हूँ? अब क्यों आया? जा, मुझे बहुत काम है ना, बहुत काम मिल गया, जा काम कर। अरे दीदी, नाराज क्यों होते हो? आपके सिवा कोई है क्या मेरा? अच्छा चल, मक्खन मत लगा, आ जा अंदर। अच्छा दीदी, रफीक भाई कहाँ है? क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो है ना? अब तू ये सब छोड़ ना, चल तू बैठ, मैं तेरे लिए अभी चाय पानी लेकर आती हूँ, ठीक है?
उस्मान रुक, उस्मान। चल, चाय पी। तो चाय पी मैं आती हूँ। हेलो, हाँ जी बोलिए। बंका जी? नहीं, मैं किसी बंका को नहीं जानती इंस्पेक्टर साहब। हिना के रिश्तेदारों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल की थी, हमें इस बारे में क्यों नहीं पता चला? तो चूक लोकल पुलिस की, शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हमने हिना की फोटो को सर्कुलेट कर रखा है, तो उनसे बात करके ऐसा लगा कि शायद उन्होंने हिना को ठीक से ढूंढने की कोशिश भी नहीं की है। पर अब हमें कोई चूक नहीं करनी, हमें किसी भी कीमत पर हिना के कातिल को ढूंढना है। हिना 5 नवंबर को अपने घर से बेटी को ये कह के निकली कि वो नासिक जा रही, जबकि हमें हिना की लाश 6 नवंबर को पुणे में मिली। हमला कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ सर, हमने हिना को 5 नवंबर के इवेंट का ऑर्डर दिया था, लेकिन वो हमारे टर्म्स के मुताबिक काम करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए हमने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। लेकिन ऐसी क्या टर्म्स थी आपकी जो आपने इतने पुराने वेंडर का ऑर्डर कैंसिल कर दिया? सर, दरअसल हिना अचानक से अपना प्राइस बढ़ाने लग गई, इसलिए हमने उसका ऑर्डर कैंसिल किया और दूसरे को ऑर्डर दे दिया। आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिया था तो हिना पुणे क्यों आई थी? सर, वो मैं कैसे बता सकता हूँ। गिनवा के रखो उसको पूरा, और भर के रखना इसको ना, संभाल के, ठीक है? हाँ बेटा, मैंने बोला था ना सब संभाल लूंगा मैं। तुम घर जाओ, बिल्कुल फिक्र मत करो, अपना और आदाब का ख्याल रखना। अच्छा, एक और जरूरी बात थी, कंपनी का जो अकाउंट है उसका नेट बैंकिंग का पासवर्ड क्या है? तो वेंडर लोग के फोन आ रहे हैं बार बार पेमेंट के लिए। सर, हिना के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, 5 नवंबर की सुबह उसने 2 बार दिवाकर को फ़ोन किया था, और उसके बाद उसका फ़ोन मुंबई से पुणे की तरफ ट्रैवल हुआ, और 5 नवंबर के शाम 5 बजे उसका फ़ोन पुणे में स्विच ऑफ हुआ। यानी उसी दौरान जब उसका कत्ल हुआ। सर, मैंने इस दिवाकर की फील्डिंग लगा दी। और सर, इस दिवाकर के बारे में कुछ पता भी चला है। करीब 1 साल पहले इसने हैदराबाद में एक इवेंट किया था, जहां पर रेड पड़ी थी, वहां पर अश्लील डांस हो रहा था। इस दिवाकर पर गर्ल्स ट्रैफिकिंग का आरोप भी लगा था, लेकिन बाद में उसे उस केस में क्लीन चिट मिल गई थी। पर हम इस दिवाकर को क्लीन चिट नहीं दे रहे। हिना की बेटी का कहना है कि हिना घर से ये कह के निकली कि वो नासिक जा रही, जबकि हिना का फोन नासिक नहीं बल्कि पुणे की तरफ ट्रैवल कर रहा था। मामला क्या है? एक लड़का है, इरफान, हिना के यहाँ पर शेफ का काम करता था। हिना के मर्डर के 3 दिन पहले हिना ने उसे काम से निकाल दिया, पर ये इरफान हिना की बेटी आहाना के साथ फोन पर रेगुलर टच में है। सर, जिस जगह हिना का मर्डर हुआ था, हमने उस एरिया का डम डेटा स्टडी किया, और सर, उस डम डेटा के अकॉर्डिंग हिना के 2 नंबर शो हो रहे थे, और आहाना ने हमें उसका एक ही नंबर दिया है। 2 नंबर? सर, हमने इस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले हैं। हिना के इस दूसरे नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकलो, और वो शेफ क्या नाम बताए? इरफान। बुलाओ उसे। सर, सर मानता हूँ कि हिना मैडम ने मुझे जॉब से निकाल दिया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। जॉब से क्यों निकाल? ये नहीं बताएगा? कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। पर अम्मी के रहते ना ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती मैं। लेकिन फिलहाल मेरे लिए तो पहन सकती हो ना। वैसे लगता है अम्मी। इतनी क्यों देर कर दी तुमने? अम्मी, वो मैं वॉशरूम में थी। अच्छा, ए ए रुक, इरफान।
सर दरअसल हिना मैडम को मेरा और आहाना का मिलना पसंद नहीं था, बस इसीलिए उन्होंने मुझे जॉब से निकाला था। फिर तूने क्या किया? सर सच में इरफान ने कुछ नहीं किया। फिर तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? तुम्हारी अम्मी नासिक गई थी जबकि 5 नवंबर को तुम्हारी अम्मी पुणे में थी। सर अम्मी मुझे नासिक का ही बोल के गई थी। तुम्हारी अम्मी के पास ये एक और नंबर था जो हमने ढूंढ के निकाला, ये नंबर तुमने हमें क्यों नहीं दिया? अम्मी एक ही नंबर यूज करती थी सर, इस नंबर के बारे में मुझे नहीं पता। आहाना के अलावा हिना का भाई अनवर, भाभी जरीना, देवर सादिक और सास आतिया कोई भी हिना के इस दूसरे नंबर के बारे में नहीं जानते थे। सवाल यह है कि हिना अपने इस दूसरे नंबर के बारे में अपने घर वालों से सीक्रेट क्यों रखेगी? कहीं घर वालों में से कोई कुछ छुपा तो नहीं रहा? सर आहाना को देख के लगता तो है कि वो कुछ तो छुपा रही। और वो इरफान को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। नजर रखो दोनों पर और हिना के बाकी रिलेटिव्स के बारे में पता करो। सर सर हिना के दूसरे नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स चाहिए। उसके उस नंबर पर सिर्फ एक ही नंबर से कॉल्स आती थी और उसी नंबर पर कॉल्स की जाती थी। सिर्फ एक नंबर? जी सर। और वो नंबर किसी रोशनी मिर्जा के नाम पर उसके कोलकाता के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। सर ये है रोशनी मिर्जा और अब इसका वो नंबर भी बंद आ रहा है। सर आप जिस रोशनी मिर्जा से मिलने आए हैं उसने करीब 1 महीना पहले 3 नवंबर को अपने पति रफीक मिर्जा की मिसिंग रिपोर्ट फाइल की थी और कुछ दिन पहले हमें रफीक की लाश मिली थी। क्या ये आपके पति हैं? 3 नवंबर को रोशनी के शौहर का यहाँ कलकत्ता में मर्डर हुआ और 5 नवंबर को हिना का पुणे में। वो हिना जिसे रोशनी लगातार कॉल कर रही थी और 5 नवंबर को ही रोशनी का नंबर पुणे में बंद हुआ। लेकिन सर आपका फोन आते ही मैंने कंफर्म किया, उस दौरान रोशनी यही कोलकाता में ही थी। इनफैक्ट 5 नवंबर को मैं रोशनी से पूछताछ के लिए मिला भी था। तो फिर रोशनी का वो नंबर पुणे में कैसे एक्टिव था? रोशनी मिर्जा नाम है इस औरत का, क्या आप में से किसी ने कभी भी इसे हिना के साथ देखा है? नहीं सर। हाँ सर हम लोगों ने भी कभी इस औरत को नहीं देखा। मैं किसी रोशनी को नहीं जानती। और आप? नहीं सर। सर मैं ऐसा कोई नंबर इस्तेमाल नहीं करती थी, ये मेरा नंबर नहीं है। लेकिन ये नंबर आपके नाम पर रजिस्टर्ड है और इस नंबर से मुंबई में एक हिना नाम की औरत से लगातार बातें हो रही थी। ये हिना पहचानती हैं इसे? नहीं सर मैं नहीं जानती इसको, मैं कभी मुंबई भी नहीं गई हूँ। और पुणे? नहीं सर मैं कभी बंगाल से ही बाहर नहीं गई हूँ। क्यों उस औरत के गम में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है और साथ में मेरी भी? उसी के गम में पी रहा हूं अम्मी। अगर उसने मेरे जज्बात को समझा होता तो आज उसका यह हश्र नहीं होता। सादिक तूने तो उसका यह हल नहीं किया। जिस दिन हिना की मौत हुई उस दिन तू भी तो यहां नहीं था। पूछताछ में सादिक और अनवर पर भी शक करने की वजह मिली है। हिना के गुजरने के बाद अनवर ने जिस तरह हिना के काम पे कब्जा कर लिया वो शक करने जैसा तो है। इसके अलावा क्या मिला? हिना के कई रिश्तेदारों का कहना है कि जलाल की मौत के बाद हिना के साथ शादी थी कि सादिक हिना से शादी कर ले और सादिक जलाल और हिना की शादी के पहले से हिना को पसंद करता था। कहीं हिना के इस हश्र की वजह सादिक की हताश मोहब्बत तो नहीं? और सर ये सादिक 5 नवंबर को मुंबई में भी नहीं था और उस रात उसका फोन भी बंद था। एक मिनट। हाँ बोलो यादव। सर ये दिवाकर तो काफी अलर्ट लग रहा है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, उसके पीछे जाके कुछ खास हाथ नहीं लग रहा है। उसका फोन भी सर्वेलेंस पे, लेकिन वो कोई गलती नहीं कर रहा। लेकिन हाँ उसका एक चपरासी है, उसका राजदार है, उसे हाथ में लेते हैं सर, कुछ ना कुछ जरूर बताएगा। ठीक है तो उसी को हाथ में लेते हैं। सर तुम्हें सादिक पे नजर रखो, मुझे दिवाकर में दिमाग लड़ाना पड़ेगा। सर रोशनी के बारे में जो कुछ भी मालूम चला उससे लगता नहीं कि वो कभी मुंबई गई होगी, लेकिन रोशनी के पति रफीक वो 2 साल पहले तक मुंबई में जॉब करता था। तो हो सकता है रफीक रोशनी का नंबर इस्तेमाल कर रहा। लेकिन सर रफीक का मर्डर तो 3 नवंबर को हो गया था। रफीक के मर्डर में किसका हाथ लगता है? सर हमें इस बंका नाम के आदमी के ऊपर शक है। साले मेरा 1 लाख नहीं दिया ना, जान लगूंगा, समझा? छोड़ो तुम, छोड़ो, समझ जा, लाश मारेंगे। सर रोशनी ने हमें इस झगड़े के बारे में बताया था। सर रोशनी बंका का नाम नहीं जानती थी,
लेकिन उसने बंका की फोटो से उसे आइडेंटिफाई किया था और ये बंका 3 नवंबर से ही फरार है। इस बंका के अलावा और कोई सस्पेक्ट? जी सर, तो हमें रोशनी के छोटे भाई उस्मान के ऊपर शक है। सर जब से रफीक का मर्डर हुआ है ये उस्मान भी गायब है, लेकिन रोशनी नहीं मानती कि उस्मान रफीक का मर्डर करेगा। तो फिर ये उस्मान गायब क्यों है? सर फिलहाल तो इसका कोई लीड नहीं मिला है, लेकिन हम उस्मान की तलाश कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ये उस्मान ही अपनी बहन का दूसरा नंबर इस्तेमाल कर रहा था और रोशनी झूठ बोलकर इसे बचा रही है? मैं मानता हूँ कि मैं हीना से निकाह करना चाहता था, लेकिन हीना तुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, ये बात तुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। ऐसा कुछ नहीं किया है सर। उस शाम तू कहाँ था जिस दिन हीना का मर्डर हो? लोनावाला में अपने दोस्तों के साथ। तू लोनावाला में नहीं, पुणे आया हुआ था। तू जानता था कि हीना पुणे आई हुई है। अब ये बता कि हीना के दूसरे नंबर की कहानी क्या है और ये रोशनी का इस मर्डर से क्या लेना है? मैं किसी रोशनी को नहीं जानता सर, और ना ही हीना के किसी दूसरे नंबर के बारे में। मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया है सर। मेरे सादिक ने कुछ नहीं किया और वो तो ये निकाह करना चाहता भी नहीं था, बल्कि मैं चाहती थी कि हीना का निकाह सादिक से हो। देख बेटा, जलाल के जाने का गम कभी नहीं भरेगा, पर मैं तुझे और तेरे बच्चे को ऐसे मायूस नहीं देख सकती। और मेरे कहने पर सादिक तुझे अपनाने को तैयार है, निकाह कर ले इससे। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? सादिक मेरे भाई जैसा है। साहब मैं मानती हूँ सादिक थोड़ा गुस्से वाला है, पर हिना को नुकसान कभी नहीं पहुंचा सकता वो। सर आप मान रहे थे कि उस्मान रोशनी का दूसरा नंबर यूज कर रहा होगा, लेकिन यहाँ तो उस्मान का भी मर्डर हो चुका है। उस्मान का मर्डर? जी सर। सर 6 दिन पहले करीमगंज पुलिस को हाईवे के पास उस्मान की लाश मिली थी, ये देखिए। उस्मान को कौन मार सकता? सर फिलहाल इसकी तो कोई लीड नहीं मिली है, लेकिन एक चौंकाने वाली बात पता चली है कि उस्मान किन्नर था। किन्नर? जी सर, किन्नर के भेष में लुटेरा, ये देखिए सर। जिन लोगों को लूटता था उनके सामने औरत बन के जाता था। पूरा गैंग था इसका और कई एरियाज की पुलिस उस्मान को ढूंढ रही थी, लेकिन सर रोशनी ने हमें नहीं बताया कि उस्मान किन्नर था। छोड़ो मुझे, आप लोग ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। आप लोग जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। चुपचाप बैठ जा। सर आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरी हीना से कोई दुश्मनी नहीं थी। तेरे चपरासी ने हमें तेरे और हीना के उस मुलाकात की सच्चाई बता दी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारी कंपनी इवेंट्स की आड़ में असली नाच होना जाने क्या क्या करवाते हो, इसलिए बेहतर होगा कि मेरी पेमेंट क्लियर कर दो, वरना एक एक को एक्सपोज कर दूंगी मैं। ऐसा सोचना भी मत, वरना वो हश्र करूंगा कि ये धमकी किसी और को देना, मुझे नहीं। सर मैं मानता हूं कि हीना ने मुझे एक्सपोज करने की धमकी दी थी, लेकिन उसके मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। सर, सर। उस्मान बचपन से ही किन्नर था, लेकिन ये हमने हमेशा छुपा कर रखा। पर पैसों की तंगी से लड़ने के लिए वो औरत के भेस में। तो तुम ये जानती थी कि उस्मान औरत के भेस में जुर्म कर रहा था? रफीक भी जानता था? उन्हें तो ये भी मालूम नहीं था कि वो किन्नर था, पर एक दिन उन्होंने उसको देख लिया। रफीक ने मुझे सब बता दिया था और इस बात को लेकर उस दिन बहुत झगड़ा भी हुआ था। तुम दोनों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, ये किन्नर है और मेरी बीवी है किन्नर की बहन। पर जीजाजी इसमें दीदी का कोई कसूर नहीं है। मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं, पर दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। रफीक ये क्या कर रहे तुम? दीदी को हाथ कैसे लगाया? छोड़, छोड़, रफीक छोड़। लेकिन मैंने किसी तरह उस्मान से कसम ले ली कि अब वो कोई बुरा काम नहीं करेगा, लेकिन
जब रफीक गायब हुए तो क्या? जब रफीक गायब हुआ तो क्या हुआ? सर मुझे पता था कि उस्मान ने ही रफीक को। तुम कहना चाहती हो उस्मान ने रफीक को मारा? सर मुझे शक था, पर मेरा वो दूसरा नंबर वो भी उस्मान ही इस्तेमाल कर रहा था। तो उस्मान हिना को जानता था? सर इस बारे में तो मुझे कुछ मालूम नहीं है। अगर ये रोशनी सच बोल रही है तो उस्मान हिना को इतने कॉल क्यों कर रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिना को भी उस्मान ने? उस्मान जिसका इनके साथ काम कर रहा था उन लोगों के बारे में कुछ पता चला? सर उनकी तलाश जारी है, लेकिन रफीक के मर्डर का एक और सस्पेक्ट है, बंका। अगर रफीक का मर्डर उस्मान ने किया है तो बंका क्यों गायब? कहीं ऐसा तो नहीं ये रोशनी उस्मान का नाम लेकर बंका को बचा रही? लेकिन सर हमें बंका और रोशनी के बीच में ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं मिला था। ये हमें गुमराह करने की चाल भी हो सकती है। हो सकता है बंका रोशनी का दूसरा नंबर इस्तेमाल कर रहा। ये बंका कहाँ फरार है, उस पर कोई लीड? सर बंका का फोन 7 नवंबर को केरल में बंद हुआ था। मैंने केरल पुलिस को बंका की फोटो भेजी थी, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। बंका का फोन जिस एरिया में बंद हुआ मुझे उस एरिया की डिटेल दो और इस रोशनी पर नजर रखो। सर हाँ बेटा, ये गलत फहमी अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि हमें हिना के बिजनेस का कोई लालच है। हम दोनों यहाँ तुम लोगों के साथ सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमसे बेहतर परवरिश तुम्हारी कोई और नहीं कर सकता। हाँ बेटा, हम तुझ पर कोई रोक टोक भी नहीं लगाएंगे। माना कि मुझे अम्मी की रोक टोक पसंद नहीं थी, लेकिन आप लोगों का जबरदस्ती का प्यार दिखाना ना बहुत इरिटेटिंग लग रहा है। अनुज, मैं तुम्हें एक बंका नाम के आदमी की डिटेल्स भेज रहा हूँ। इस बंका का फोन 7 नवंबर को केरला में स्विच ऑफ हुआ था। अपने खबरों को काम पे लगाओ और जरा इसकी डिटेल निकलो। पुणे, मुंबई, मैसूर और कोलकाता के बाद अब पुलिस केरला में इस केस की कड़ियां ढूंढ रही थी। पुलिस का खबरी नेटवर्क बंका को केरला में ढूंढ रहा था। वहीं कोलकाता पुलिस ने उन किन्नरों का पता लगा लिया जिनके साथ उस्मान लूटपाट करता था, और पुलिस रिमांड में उन्होंने कबूल किया था कि उन्होंने उस्मान को उनके गिरोह की आपसी रंजिश में मार दिया था। क्या आधा हिस्सा? हाँ तो खूबसूरती तो मेरी भी है ना। देख तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे नहीं बता, आधा चाहिए मुझे। आधा हिस्सा चाहिए? चाहिए। अब क्यों तुझे आधा हिस्सा? लेकिन क्या उस्मान ने रफीक और हिना को मारा होगा? इन सवालों के जवाब इस केस में एक और घुमाव लाने वाले थे। सर खबरियों ने बंका की इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, वो दुबई भाग गया है। दुबई भाग गया? जी सर, यहाँ केरला में बंका जहाँ ठहरा हुआ था उस जगह का पता चल गया है। वहाँ फिलहाल कोई अहमद पाशा नाम का आदमी रहता है, हो सकता है उससे हमें कोई बंका की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हो सकता है यही अहमद पाशा, बंका यही रहता था। रफीक, और तेरी बीवी तो बड़े शातिर निकले। तेरी बीवी बोल रही थी कि तुझे उस्मान ने मार दिया, लेकिन तू वहां चुपके बैठा हुआ था। अपनी बीवी के नंबर से हिना को तू ही कॉल करता था ना? नहीं सर, सिर्फ मैं ही नहीं, हिना भी मुझे कॉल किया करती थी। 2 साल पहले तक मैं मुंबई में जॉब कर रहा था। हिना की बिरयानी अक्सर मेरे ऑफिस में सप्लाई हुआ करती थी। हिना, ये लीजिए आपकी पेमेंट का चेक। शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे भी कहना चाहिए, आपकी बिरयानी वाकई बहुत लजीज है। फिर हम अक्सर मिलने लगे। जलाल को खो देने के बाद मैंने अपनी जिंदगी को एक दायरा दे दिया था। सोचा सिवाय अपने बच्चों की खुशी के और कुछ नहीं सोचूंगी। हिना, तुम्हें भी अपने बारे में सोचना चाहिए। मैं भी अपने बारे में अब सोचना चाहता हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो रफी? देखो हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, क्या तुम नहीं चाहती कि हम दोनों की शादी हो? मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती हूँ रफीक, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। फिर मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी रोशनी से करवा दी। कोलकाता में मैंने जूते की दुकान डाली, सोचा काम में डूबा रहूंगा तो हिना को भुला दूंगा,
सर मेरा बिजनेस नहीं चला, लेकिन काम के सिलसिले में मुंबई गया तो न चाहते हुए मैं हिना को कॉल कर बैठा। रफीक, मैंने भी तुम्हें भूलने की बहुत कोशिश की पर नहीं हो सका। मैं अब तुम्हें मेरी जिंदगी से दूर जाने नहीं दे सकती। हम दोनों पर अजीब सा पागलपन सवार हो गया था। हम दोनों और ज्यादा मिलने लगे। इतना ही नहीं, वो मेरी पैसों से भी मदद करने लगी, लेकिन मेरी बीवी का नाम सुनते ही वो बौखला जाती थी। तुम मुझसे प्यार करते हो या अपनी बीवी से? बीवी तो मैं तुम्हें बनाना चाहता था, लेकिन तुमने मेरा प्यार कहाँ समझा? रफीक, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती थी, लेकिन अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम अपनी बीवी को छोड़ दो। अच्छा, तुम छोड़ सकती हो अपने बच्चों को मेरे लिए? ठीक है, हम अब नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम्हें वो मेरे सारे पैसे वापस करने होंगे जो तुमने मुझसे लिए थे, वरना तुम्हें मोलेस्टेशन के चार्ज में अरेस्ट करवा दूंगी। उसका वो रूप देखकर मैं हैरान हो गया। मैं भी उससे छुटकारा पाने का एक रास्ता निकाल लिया। तुमने इस सब के बारे में अपनी बीवी को बताया और तेरे इस प्लान में तेरी बीवी भी शामिल हो गई। सर रफीक तो मुझे किन्नर की बहन बोलकर हमेशा छोड़ने के ताने देते थे, लेकिन फिर अपने और हीना के रिश्ते की सच्चाई बताकर भी मेरा साथ हमेशा देने का वादा भी किया। सर रोशनी साथ हो गई तो मैंने हीना को कॉल करके झूठ-मूठ का बोला कि रोशनी मेरा साथ छोड़ने के लिए तैयार। इसके बदले उसे 5,00,000 रुपये चाहिए। हीना मान गई और मैंने बंका को भी साथ में ले लिया। और बंका भी तैयार हो गए? सर मुझे बंका का उधार देना था और उसे उन पैसों से दुबई जाना था, तो मैंने बंका पर प्रेशर डाला कि तू मेरा साथ दे। हीना 5 नवंबर को 5,00,000 रुपये लेकर मुझसे मिलने पुणे आ गई। ये लो। बंका, गाड़ी क्यों रुकवाई तुमने? उसके बाद बंका 1,50,000 रुपये लेकर दुबई चला गया। मैं भी दुबई जाने वाला था। केरला में अहमद पाशा के नाम से मैंने अपना पासपोर्ट ही बनवा लिया था। वीजा लगने की देरी थी कि आप लोग आ गए। अब तेरा वीजा हम लगाएंगे इस जेल का, वो भी लाइफ टाइम। सड़े यहां पे आप। रिश्तों के बनने की वजह मायने नहीं रखती है, लेकिन उनके टूटने के हजार मायने निकाले जाते हैं। छिप छिप कर मिलना रिश्ते की मजबूरी हो सकती है, लेकिन ये सोचने की जरूरत है कि जिस रिश्ते को हम दुनिया के सामने नहीं ला सकते हैं, वो रिश्ता हमेशा हमें डर की जिंदगी देता है। इसलिए दुनिया की परवाह करने से बेहतर है कि हम अपनी परवाह करें। अगर हिना ने वाकई अपनी परवाह की होती तो वो शादीशुदा रफीक को अपनी जिंदगी में वो जगह नहीं देती जो उसने दे दी थी। और यही वजह थी जिसने रफीक के हौसले इतने बुलंद कर दिए कि वो धोखे और फरेब का एक ऐसा खेल रच बैठा जिसने हिना को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।